ये कंपनी को इस पे भाई करना चाहिए, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट मांगती है इन चीजों पे। अब मेरे को समझ नहीं आता कर, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी है, 11 लाख बंदा दे रहा है कोई, जैसे खिलौना नहीं होता छोटे से टायर दे, हाँ। तो हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना आज का शो, और आज आप देख रहे हैं भाई हमारी एक नई वीडियो। तो भाई आज की वीडियो का टॉपिक है जो हमारी ये आती है मारुति की XL6, इसके कुछ नेगेटिव्स बताने वाले हैं हम आपको आज की वीडियो में। तो भाई ये देखो, ये जिनकी कार है वो भाई हमारे साथ खड़े हैं आज। तो भाई सबसे पहले तो एक बेसिक डिस्क्लेमर दे दूँ, हम इस कार से कोई भी हेट नहीं रखते। हम इसको, जो बंदा ये कार लेना चाहता है हम उसको बता रहे हैं नॉर्मली कि भाई अगर तुम ये कार लेते हो तुम्हें कुछ चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो हमारा कोई भी भाई बंधु इस वीडियो को दिल पे ना ले। शुरू करते हैं भाई आज की वीडियो बिना किसी देर के। जिसने हमारे भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे आज से। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई रुशन सचदेवा। तो भाई आपको कितना टाइम हो गया कार लिए हुए? भाई गाड़ी लिए हुए मेरे को हो गए लगभग 3 महीने से ऊपर हो गए। पॉइंट वन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहोगे भाई इस कार के बारे में कि कार कैसी लगी आपको? भाई गाड़ी एकदम मस्त, जिस रेट पे ये आती है, जो इसकी कैपेबिलिटी है वो एकदम टॉप नंबर की है। ठीक है भाई, 11 लाख की गाड़ी आती है और एकदम भरपूर फीचर दे देती है इस रेट पे। भाई कहने का मतलब हमारा भाई पूरा सेटिस्फाइड है। लेकिन देखो हर अच्छी चीज का ना कुछ नेगेटिव पॉइंट जरूर होता है। ये वीडियो बेसिकली नेगेटिव के ऊपर है। शुरू करते हैं भाई, पहला नेगेटिव बता दो क्या लगा आपको इस कार का? भाई पहला नेगेटिव तो मेरे को लगा जिस हिसाब से गाड़ी का साइज है, 6 सीटर गाड़ी है, अच्छी खासी लंबी गाड़ी है अर्टिगा के जितनी, बट इसके अंदर जो इंजन आता है 1500 cc का पेट्रोल इंजन आता है। तो जब हमारी गाड़ी मतलब हाईवे वगैरह पे, क्योंकि मेरी रनिंग मोस्टली हाईवे वगैरह की रहती है, मैं भाई सबसे ज्यादा इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो गाड़ी एकदम फुली लोडेड चलती है मेरी 4 बंदों के साथ, एक मेरा डॉग होता है और एक पूरा भरपूर लगेज होता है। ठीक है, मेरे को इसके अंदर ना पावर की थोड़ी बहुत कमी लगती है, हाई स्पीड के ऊपर ओवरटेक करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है इसके अंदर मैनुअल में भी, हल्की बहुत अंडर पावर भाई बता रहे हैं XL6 को। 1500 cc का इंजन आता है इसमें, हल्की बहुत अंडर पावर भाई बता रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा कभी हुआ है कि इस अंडर पावर से आपको लगा हो कि भाई मेरी गाड़ी किसी से पीछे रह रही है या कुछ? नहीं नहीं भाई, ऐसे रेस वगैरह लगाने का तो मेरा खैर थोड़ा सिस्टम ही नहीं रहता, बट हाईवे वगैरह पे भी जहाँ मेरे को पावर चाहिए होती है मैं गियर शिफ्ट कर लेता हूँ, डाउन शिफ्ट कर लेता तो भरपूर पावर मिल जाती है। बट अगर हम बाकी गाड़ियों से कंपेयर करें, जैसे अपनी इनोवा क्रिस्टा होगी, इसकी बड़ी वैन जो है वो भी 6 सीटर गाड़ी, बट उसके अंदर इंजन बहुत बड़ा आता है, करीब 2.2 लीटर का इंजन आता है उसके अंदर। ठीक है भाई, लेकिन 1.5 इनोवा का, लेकिन आप देखो उसका रेट डबल है, इसका डबल रेट पड़ता है। तो इनोवा से तो हम इसको कंपेयर नहीं कर रहे, हम वैसे बेसिकली कह रहे कि थोड़ी हल्की सी आपको अंडर पावर लगती है। बिल्कुल भाई। सेकंड पॉइंट जो भाई मेरे को, क्या हर बंदे को फील होता है वो सेकंड पॉइंट भाई, इसका टायर साइज। बिल्कुल भाई, टायर साइज छोटा लगता है। देखो भाई आपको साइड से लुक दिखाऊंगा, आपको गाड़ी पूरी आपको बड़ी लगेगी, गाड़ी की लुक वाइज भी अच्छी है गाड़ी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो एक छोटी सी चीज जो खनकती है ना आंखों में वो है, देखो ये टायर साइज देखो भाई गाड़ी का, कितने इंच के व्हील मिलते हैं भाई इसमें? भाई इसके अंदर आते 15 इंच के अलॉय। ठीक है भाई, 15 इंच के अलॉय मिल रहे हैं, तो भाई आप सेटिस्फाइड हो इन अलॉय के साइज से कि आपको क्या लगता है कि? भाई अगर हम लुक की बात करें तब तो बिल्कुल अनसेटिस्फाइड हूँ, अगर जैसे इतनी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है बट फिर टायर छोटे लगते हैं, जैसे खिलौना नहीं होता छोटे से टायर देते, हाँ। लगता है, बट कंपनी के हिसाब से ठीक भी है क्योंकि माइलेज भी फिर इसी से ही बढ़िया आती है, अगर चौड़े टायर लगवा लेंगे बड़ा साइज करवा लेंगे तो माइलेज गिर जाएगी। हाँ देखो भाई, मेरे एक फ्रेंड भी है, उसकी वीडियो मैंने शेयर कर रखी है अपने चैनल पर, उसने क्या करा है टायर साइज अपग्रेड करा है, 17 इंच के व्हील लगाए हैं, लेकिन उसका क्या हुआ है कि माइलेज ड्रॉप हुई है। कंपनी ने जो ये टायर्स बनाए हैं बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बनाया हुआ है, तो उस हिसाब से टायर साइज वैसे ठीक है, पर एक बार आंखों में खटकती है ये चीज, वो चीज हम शेयर कर रहे हैं कि गाड़ी बहुत बड़ी है, मैसिव लगती है पूरी गाड़ी, यूज लगती है देखने में, पर टायर साइज छोटा लगता है। और अलॉय व्हील्स के जो लुक है भाई, देखो आप भाई बिल्कुल बेसिक सिंपल लुक है यार, इनसे सेटिस्फाइड हो क्या यार आप? भाई वही कह सकते हैं, जैसे आप आजकल की गाड़ियों में देख रहे हो डायमंड कट आ रहा है, ब्रेजा के अलॉय देख लो, ब्रेजा के अलॉय कितने अच्छे लगते हैं, पर आप इसके जो प्लेन से लुक है इससे सेटिस्फाइड हो क्या भाई? अब देखो ना, ब्रेजा फिर आती भी इससे महंगी है, भले ही वो 5 सीटर गाड़ी बट वो इससे महंगी आती है, लेकिन यही है अब इस रेट पे अगर मिल रहा है तो ठीक ही है, काम चलाने वाला ही है सिस्टम। ठीक है, मतलब ये मतलब अलॉय व्हील्स का भी मतलब लुक इतनी कोई अच्छी खासी लुक नहीं है, हाँ। जो आजकल की कहने के लिए दे दिया है अलॉय व्हील है, जो आजकल की गाड़ियों में जो लुक आ रही है उनसे थोड़ा कंपेयर करें तो थोड़ी सी आउटडेटेड लुक है भाई। अभी चलते हैं थर्ड नेगेटिव की तरफ।
भाई थर्ड नेगेटिव एक जो मेरे को लगता है क्योंकि मैंने पहले बताया मेरी हाईवे की रनिंग है, ठीक है भाई। तो जब हम इसकी ऐसे सीट आप देखो, अगर हमको लास्ट रो में भी जाना है कभी अगर फोल्ड करना है तो ये मैक्सिमम इतनी ही फोल्ड होती है, इससे ज्यादा फोल्ड नहीं। देखो भाई इतनी जगह बचती है जाने के लिए यहाँ से, अगर जो मतलब अगर बूढ़े जाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे कई लोग, जैसे मेरा आगे सीन है लद्दाख जाने का इसी साल में, तो मैं सोच रहा था मैं और साथ में कोई दोस्त जाए और 20 वाली रो को हम पूरा बंद करके बेड बना दे पीछे, ठीक है। इसके अंदर वो सीन नहीं हो सकता क्योंकि पूरी नीचे नहीं जाती। देखो भाई ये जो आपका ये है ना ये रो, ये इतनी ही बेंड होती है कहने का मतलब भाई का, और ये पूरा जैसे यहाँ तक जो पूरी फोल्ड हो जाती है मतलब बेड बन जाता है, जो वो चीज नहीं है। आप वही कहना चाह रहे हो भाई? हाँ भाई ये अर्टिगा के अंदर फीचर है, अर्टिगा में ये चीज है। मैंने मैंने अपनी ऑडियंस को बिल्कुल अच्छे से दिखाया हुआ, लेकिन इसमें ये चीज नहीं है। नहीं भाई इसके अंदर नहीं है ना, दिक्कत आती है भाई। तो भाई ये नेगेटिव मेरे को भी एक बहुत मतलब लग रहा है यार, अब तो देखने में, क्योंकि मैं एक्सेल 6 में क्या है मेरे फ्रेंड की है तो मैं ज्यादातर इसमें बैठा नहीं हूँ, लेकिन अब मेरे को सुनने में पता लग रही है चीजें। तो देखो भाई इसका बेड नहीं बन सकता यहाँ पर, पीछे वाली सीट आप भले लिटा दो पूरी वो फोल्ड हो जाएगी पीछे वाली सीटें, क्यों भाई? बिल्कुल भाई पीछे वाली बिल्कुल प्लेन बन जाती है, पीछे वाली पूरी प्लेन बन जाएंगी फोल्ड होके, लेकिन ये जो सीटें आगे वाली है ना ये इतनी की इतनी रहेगी, ज्यादा से ज्यादा आगे चली जाएगी बस, इससे ज्यादा ये फोल्ड नहीं हो सकती। अब मेरे को समझ नहीं आता क्योंकि जैसे भाई ये क्रिस्टा है, क्रिस्टा के अंदर भी कैप्टन सीट्स आती है, उसकी भी फोल्ड नहीं होती। अच्छा कैप्टन सीट्स के साथ ही कोई मेरे को सिस्टम लगता है कि ये फोल्ड नहीं होती, ठीक है भाई। मैंने एक दो लोगों से पूछा, उन्होंने कहा इसके अंदर एक लॉक कटवा के कुछ लॉक कटता है तो फिर ये पूरी फोल्ड हो जाएगी, बट मेरा ऐसा कोई है नहीं सिस्टम कि मैं लॉक लुक कटवाऊं, जैसी गाड़ी है वैसी ठीक लगे। ठीक है भाई, इतना छेड़छाड़ करते हैं तो फिर उसके बाद भाई दिक्कत भी आगे आने लग जाती है अगर आप लॉक छिड़वाते हो तो। ऐसा भी कभी मैंने देखा है किसी किसी गाड़ियों में, जब गाड़ी गड्ढे में जाती है तो ये सीट आवाज करती है, बिल्कुल करती है भाई। तो भाई इससे बेटर यही है कि जैसी गाड़ी स्टॉक मिली है उसको स्टॉक में रखो, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कोई और नेगेटिव भाई आपको लगता है जो मतलब हमको ऑडियंस को साथ दिखाना चाहिए, जो बंदे एक्सेल 6 लेने जा रहे हैं तो उनको आप क्या वॉर्न कर दोगे आगे से कि भाई ये चीज होगी देख कर लेना? इसके अलावा ऐसा तो कुछ है नहीं कि तुम्हारा काम ना चल पाए, बट हाँ मेरे को फीचर का ही एक दो कमी लगती है, जो बेसिक सी चीजें होती है जैसे इसके अंदर, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी है 11 लाख बंदा दे रहा है कोई, इसके अंदर बूट लैंप नहीं आता भाई। एक बार चलते हैं डिक्की की तरफ, इसकी डिक्की भी देख ही लेते हैं इस वीडियो में। छोटी सी छोटी अगर तुम मारुति गाड़ी देख लो तो उसके अंदर भी बूट लैंप आता है भाई। देखो डिक्की वगैरह रखने के लिए, ये देखो भाई अच्छी खासी स्पेस है यार, 7 सीटर में काफी काफी अच्छा स्पेस ओपन करती है ये एक्सेल 6। खासी इतनी स्पेस मिल जाती है कुछ सामान वगैरह रखना हो तो। ये देखो भाई ये भी आपको खुल जाएगा, इसके सामान अगर आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो भाई आपका इशू था वो हम इस वीडियो में थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सीट जैसे हमने फोल्ड करी, यहाँ से देखो बिल्कुल प्लेन है ये, जैसे डिक्की का लेवल है उससे बिल्कुल प्लेन जा रहा है। जैसे कह रहे हैं कि लद्दाख वगैरह जाना है तो कैसे कई कई बंदे होते हैं गाड़ियों में ही सो जाते हैं उसको बेड बनाकर। हाँ भाई वो चीज इसमें नहीं कर सकते भाई आप। बीच वाली सीट पे अगर लेट ना तो वही कर सकते हैं, उसके लिए भी एक इसमें एक्सेल 6 की एक एक्सेसरी आती है जिसके अंदर बीच में एक बेबी सीट लग जाती है। हाँ। मतलब इसको बेंच सीट बना सकते हैं। हाँ। तो वो हम लोग कर सकते हैं अगर किसी को बीच वाली मिडल रो में अगर सोना हो तो, बाकी ये प्लेन बिल्कुल बेड नहीं बन सकते। अगर आपको बेड बनाना तो भाई आप इस वाली गाड़ी से देख सकते हो, आप अर्टिगा की तरफ भी जा सकते हो, टॉप मॉडल ले सकते हो अर्टिगा का, क्योंकि प्राइस डिफरेंस इसमें आ जाता है अर्टिगा और इसमें 1,00,000 रुपए का आराम से, ज्यादा भी आ सकता है। आपको आपके वेरिएंट पे डिपेंड करता है और आपके डीलर पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हो। सारी गाड़ियाँ देखो बढ़िया होती है, देखो मैं हर बार बोलता हूँ हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो हमें एक्सप्लेन करना है, वही हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। तो भाई सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? बिल्कुल सही बात है। तो भाई आप सेटिस्फाइड हो ऑल ओवर? 100% सेटिस्फाइड है। ये तो आपको कैसी लगी है वीडियो कमेंट में जरूर बताना मेरे को, लाइक कम मैं रख देता हूँ भाई आपके लिए, 100 likes रख देता हूँ। बोलो भाई हमारे सब्सक्राइबर भी होने वाले 10,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, लेकिन लाइक के हम देख लो कितना रख रहा हूँ 100। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।